लेक्चर नंबर 70। लेक्चर नंबर 70 का जो टारगेट है उस टारगेट के बारे में बताता हूं मैं आपको। लेट के बी ए सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट डिग्री एन ओवर ए सब फील्ड एफ विद गैलियोज ग्रुप जी, इसका मतलब ये ग्रुप की बात हो रही है जिसकी फिक्स फील्ड एफ हो, जिसके अंदर मैपिंग है ये जी ऑटोमॉर्फिज्म है। अब हमें प्रूव करना है द सेट द सबसेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन ऑफ के इज ए बेसिस ऑफ के ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ द डिटर्मिनेंट दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये हमारा क्वेश्चन है प्रूफ। सपोज दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है, और सिंस हमें पता है ये जो है ना यहां से ये बताता है, ये बताता है कि इस एक्सटेंशन की डिग्री n है, इस एक्सटेंशन की डिग्री n है। फर्स्टली वी शो दैट, जैसे कि इसको हमने इंडिपेंड उसको बेसिस प्रूव करना, सबसे पहले हम इसको इंडिपेंडेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रूव करने के इसको पहले ए वन से इसको ए टू से हमें यह प्रूव करना पड़ेगा, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि सारे ए आई जीरो होंगे। वेयर ए वन ए टू ए एन फील्ड एफ से बिलोंग करते हैं। यदि इसके ऊपर मैं पहली ऑटोमॉर्फिज्म लगा दूं तो क्या आएगा, इसमें से ए वन मैंने बताया था ना, ये ऑटोमॉर्फिज्म जो ये ऑटोमॉर्फिज्म इस गैलिया ग्रुप से है, इसका मतलब एफ के हर एलिमेंट को फिक्स रखेंगे, तो ए वन तो बाहर आ जाएगा, ये अपने आप को ऐसे लिखेगी, ए टू बाहर आ जाएगा, ये ऐसे लिखेगी, ए एन बाहर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी। इसी प्रकार हम जनरल लिख सकते हैं, आई के लिए बनेगा ये, और ऑल आई इक्वल टू वन टू एन। इस प्रकार एक सिस्टम बन गया, होमोजीनियस सिस्टम,
विद एन इक्वेशंस, ठीक है, एन इक्वेशंस है एंड इट्स मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो कि ये बनेगी इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होने की वजह से एन वेरिएबल्स एन इक्वेशन और उसकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, दिस इंप्लाइज किसका तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन होते ही सिस्टम क्या होगा जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस प्रकार आप हैंस वी गेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन एल आई, ठीक है, और मैं कहता हूं ये वेक्टर स्पेस बनाता है, क्यों, क्योंकि इस एक्सटेंशन की डिग्री एन है। ओके, दिस इज मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ फाइनाइटली डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि इसकी डायमेंशन एन हो सकती है, इसकी वजह से इससे ज्यादा इसमें एन से ज्यादा इसमें इंडिपेंडेंट नहीं आ सकते, तो ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट हो गया फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का। सो दिस सेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बिकम्स द बेसिस ऑफ के ओवर एफ, जो कि आपको प्रूव करना है। अब हम इसके कन्वर्स पर आ रहे हैं, कन्वर्स। अब हमने ये ले लिया कि ये सिंगुलर है, यदि ये सिंगुलर है तो हमें प्रूव कर देना है कि वो बेसिस नहीं बनाएगा, ठीक है, ओके। अब आपके सामने हम फिर एक सिस्टम लिख रहे हैं, ये अल्फा है, नोट्स में यहां पर ए लिखा गया था गलती से, ये फॉर ऑल आई के लिए है। इस सिस्टम में एन इक्वेशंस हो गई एंड एन वेरिएबल्स हो गए, बट जबकि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब इस सिस्टम का कैसे सॉल्यूशन होगा, हम ये कह देंगे देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन Not all zero from K. K में से हमें ऐसे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन मिलेंगे जो सारे जीरो नहीं होंगे, ठीक है, ओके। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, उस रिजल्ट का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। Let K be a field एंड टाउ वन टाउ टू टाउ एन बी डिस्टिंक्ट ऑटोमॉर्फिज्म है, तो हमने ये पढ़ा था कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये सेट क्या हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ tau 1 alpha, tau 2 alpha, tau n alpha, यदि जीरो आ जाता है for every alpha belongs to k, यदि ये जीरो आ जाता है for every alpha, तो इसका मतलब क्या हो गया कि tau 1, tau 2, tau n linearly dependent हो जाएंगे, जो कि एक contradiction है,
विच इज ए कंट्राडिक्शन, किसके साथ, विद फैक्ट्स दैट कि टाउ वन टाउ टू टाउ एन ई आर एल आई, ये कंट्राडिक्शन है। तो सो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू के, एक अल्फा जरूर मिलेगा सच दैट टाउ वन अल्फा टाउ टू अल्फा टाउ एन अल्फा जो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, इसका नाम दे दिया आपने स्टार। ठीक है, इफ अल्फा के नॉन जीरो है और फील्ड से है के से, तो उसका क्या निकलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम थोड़ी सी नंबरिंग दे रहे हैं, नंबरिंग देखो, इस इक्वेशन की नंबरिंग वन, इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर वन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा अल्फा के इनवर्स, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा अल्फा के इनवर्स अल्फा वन टाउ आई एक्स वन, फिर आएगा अल्फा अल्फा के इनवर्स अल्फा टू टाउ आई एक्स टू, लास्ट में अल्फा अल्फा के अल्फा एन टाउ आई एक्स एन, ये हमारे पास आ गया। ऐसा आई की सभी वैल्यू के लिए होगा, इसे इक्वेशन नंबर टू कह दिया। यदि हम दोनों तरफ टाउ आई इनवर्स से मल्टीप्लाई करते, ऐसा क्यों एग्जिस्ट करेगा, आपको बताया गया था कि टाउ आई ग्रुप से बिलोंग करता है और ग्रुप के हर एलिमेंट का क्या निकलता है, इनवर्स। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा जी, टाउ आई इनवर्स अल्फा अल्फा के इनवर्स अल्फा वन, और यहां बचेगा खाली एक्स वन, और इधर क्या आएगा, टाउ आई इनवर्स अल्फा अल्फा के इनवर्स अल्फा एन, और इधर आ जाएगा जी एक्स। ऐसा सभी आई के लिए होगा, ऐसा सभी आई के लिए होगा। ठीक है, यदि मैं ऐसी एन इक्वेशंस बनेगी, इन सब को ऐड कर देता हूं, एडिंग ऑल द एन इक्वेशंस, एन इक्वेशंस को ऐड करने से क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा अल्फा अल्फा के इनवर्स अल्फा जे एक्स जे। देखो ये और ये सेम होते हैं, ठीक है, ये मिलेगा हमें एन इक्वेशंस को ऐड करने से। अब तो ये सारा तो इस पर रन कर रहा है, एक्चुअली हमें पता है कि जी इनवर्स जी के इक्वल होता है, यानी कि ये चीज जो एक बार आई की एक वैल्यू के लिए इनवर्स होगा दूसरी के लिए इनवर्स, कुल मिला के कहने का मतलब है वो जो आज इनवर्स है वो जी के एलिमेंट थे। तो ये जो हम इस समेशन को रन कर रहे हैं ना, ये आई पर रन कर रहे हैं, इट इज सेम एज यदि हम यहाँ टाउ ले लें, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम एक यहां पर स्पेशल पॉइंट लेना चाह रहे हैं, वो स्पेशल पॉइंट क्या है, इफ जे इक्वल टू के, जे इक्वल टू के होता तो क्या होगा। देखो तो ये जो समेशन है स्पेसिफिक केस के लिए बात करना है, जे इक्वल टू के, जब जे इक्वल टू के है तो ये क्या बनेगा, आई इक्वल टू वन टू एन, ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, ये टर्म आपकी नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो इसको जब खोलोगे ना तो आप क्या करो, जे को आगे ले आओ, आई को इधर ले जाओ, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं,
तो जे की वैल्यू 1 होगी उसके लिए सारा खुल जाएगा, तो वो कोफिशियंट होगा एक्स वन का, फिर 2 होगी तो एक्स टू का, 3 होगी तो एक्स थ्री का, लाइक दैट ऐसे लिखा जाएगा। बट यदि इसमें मैं जे इक्वल टू के ले लेता हूँ तो मेरे पास ये आएगा, और ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो ये एक ऐसा कोफिशियंट आएगा जो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो कोफी, देखो ये कोफिशियंट है, देखो हम इसको खोलेंगे ना तो ये आएगा जी एक्स वन का कोफिशियंट। यदि मैं जे की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता है तो एक्स टू का कोफिशियंट आएगा, फिर 3 ले लेता है तो एक्स थ्री का, तब जे और जब के इक्वल होंगे ना उस स्थिति में ये चीज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। नॉट इक्वल टू 0 आते ही आपका सारा काम हो जाएगा। आप ये कह दोगे कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर एफ, ओवर एफ ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। बस इसका मतलब सो डज नॉट फॉर्म ए बेसिस, ये बेसिस नहीं बना सकता। इसका मतलब आपने जब सिंगुलर लिया तो ये बेसिस नहीं बनाएगा, और नॉन सिंगुलर लिया तो बेसिस बनाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल बेसिस के साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं कोरल लिखता हूं फिर नॉर्मल बेसिस की परिभाषा बताता हूं। द इमेज ऑफ एन एलिमेंट एक्स अंडर द ऑटो मॉर्फिज्म, अंडर द ऑटो मॉर्फिज्म इन द गैलियोज ग्रुप फॉर्म ए नॉर्मल बेसिस इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स बदल गई है, वैसी है पर थोड़ा सा टाइप बदल गई उसकी, ये नॉन सिंगुलर हो गई। पिछले में बेसिस था, इसमें वर्ड नॉर्मल बेसिस है। तो नॉर्मल बेसिस की मैं पहले डेफिनेशन बोल रहा हूं, इन केस ऑफ एनी फील्ड। अगले सवाल में बात करूंगा इन केस ऑफ फाइनाइट फील्ड। लेट एफ बी ए नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ के ले लो, के इज नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ, एंड इस एक्सटेंशन की डिग्री फाइनाइट है और एम है। ठीक है, दूसरा टाउ वन टाउ टू एन ले लो, एन टाउ एन जो कि इस गैलवा ग्रुप में बिलोंग करते हैं, देन टाउ वन एक्स टाउ टू एक्स टाउ वन एक्स यदि क्या फॉर्म करे, फॉर्म से बेसिस ऑफ के ओवर एफ, तो इस बेसिस को क्या बोलते हैं हम, विच इज कॉल्ड नॉर्मल बेसिस। उसको हम नॉर्मल बेसिस कहते हैं, ये है नॉर्मल बेसिस की डेफिनेशन। अब इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के साथ कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने ये कहा था कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन यदि बेसिस है तो इस चीज ये चीज नॉन सिंगुलर होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एक मिनट के लिए मैं इसको नॉन सिंगुलर ले रहा हूं जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये हो गया कि टाउ वन एक्स, इतने एलिमेंट की बात करनी है, टाउ वन एक्स या जे की जगह टू रखा टाउ टू एक्स, क्योंकि इसमें भी देखो इसको छोड़ दिया था हमने, यहां से लिए थे, ये लिए थे टाउ थ्री एक्स। ये बेसिस हो, और आपको बताए इस बेसिस का नाम क्या होता है, नॉर्मल बेसिस। अब इसका कन्वर्स चलिए, यदि ये बेसिस, यदि ये नॉर्मल बेसिस है, इसका मतलब ये बेसिस है, और ये बेसिस है तो पिछली थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। तो ये कोरोलरी पेपर में आती है, कोरोलरी कुछ नहीं है, मेन तो वो थ्योरम है, इफ यू नो दिस थ्योरम दैट कोरोलरी इज फाइन फॉर यू। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।